हेलो स्टूडेंट, क्लास सिक्स एसएसटी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड इन आवर लास्ट क्लास इट मीन यस्टरडे वी वाज टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेकिंग फ्रेंड्स एंड देयर वाज टू एग्जांपल ऑफ समीर वन एंड समीर टू। दो एग्जांपल थे समीर एक और समीर दो। उन्होंने अब जबकि दोनों के नाम एक जैसे थे इसलिए जो पढ़ा लिखा था उसने अपना नाम समीर वन रख दिया और दूसरे का नाम समीर दो ले लिया। तो किस तरह से वो बच्चा ट्रैफिक लाइट के पास में न्यूज़पेपर को बेचता था और हिंदी और इंग्लिश दोनों के न्यूज़पेपर को बेचता था, किस तरह से वे उन आपस में समीर एक और समीर दो मिले, एक दूसरे के बारे में उन्होंने कैसे बहुत कुछ जाना और कैसे अचानक समीर दो गायब हो गया, उसके क्या रीजंस थे, सांप्रदायिक दंगे थे, तो वे सब चीजें आपने कल पढ़ी, ठीक है। तो समीर एक और समीर दो के बारे में अगर आप अध्ययन करें, अगर इफ यू स्टडी अबाउट समीर वन एंड समीर टू देन यू विल फाइंड आउट सम डाइवर्सिटीज, क्लियर। एंड व्हाट इज दैट, इट इज व्हाइल समीर एक इज मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, जो समीर एक था उसको अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती थी, ठीक है। समीर दो स्पीक्स हिंदी और समीर दो हिंदी बोलता था। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेज दे स्टिल कम्युनिकेट विद ईच अदर, हालांकि जो है वो वे दोनों अलग अलग भाषाओं से रिलेशन रखते थे, अलग अलग फैमिलीज से रिलेटेड थे, फिर भी जो है वो अच्छे से आपस में कम्युनिकेट कर पाए, आपस में अच्छे से बातचीत कर पाए। दे मेड द एफर्ट टू डू सो, उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करने के लिए एफर्ट लगाया। एफर्ट लगाना मतलब कि उन्होंने कोशिश की कि वे एक दूसरे से बातचीत करें और जो उन दोनों के बीच में विभिन्नताएं हैं, उन जो दोनों दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस के सॉल्यूशन लाकर वे एक दूसरे से उन्होंने क्या की, बातचीत की। क्योंकि बातचीत, बिकॉज दिस वाज व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू देम, क्योंकि वे ऐसा चाहते थे इसलिए वो उनके लिए महत्वपूर्ण था। समीर एक समीर दो से और समीर दो समीर एक से बातचीत करना चाहते थे। They want to talk with each other so that, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो भी बैरियर्स, जो भी उनके बीच में बैरियर्स थे उन सबको उन्होंने दूर किया और उस प्लेटफॉर्म पर आए जिससे वे एक दूसरे पर बात कर सके। प्लेटफॉर्म मतलब उस स्थिति पर आए, ठीक है। सो समीर एक एंड समीर दो also come from different religions, दोनों समीर एक और समीर दो जो है वो दोनों अलग अलग धर्मों से आते हैं, मतलब उन दोनों के धर्म जो थे अलग अलग थे, एक हिंदू था एक मुस्लिम था। जैसा कि आपको पता है उसने कहा था कि ये हनुमान जी के पिताजी का नाम है, ठीक है, समीर पवन पुत्र, पवन पवन पुत्र हनुमान जी, पवन हनुमान जी के पिता का नाम, और समीर का मतलब भी क्या होती है, हवा होती है, ठीक है। सो कल्चर, उनका कल्चर भी अलग था, संस्कृत जो उनका जो कल्चर था जिस संस्कृति में वे पैदा हुए पले और वहां तक पहुंचे जहां तक उनकी एज थी, उस हिसाब से उनका कल्चर भी अलग था, उनका बैकग्राउंड भी अलग था। वाइल समीर एक इज अ हिंदू, समीर एक हिंदू था और समीर दो इज अ मुस्लिम, समीर दो क्या था, मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, अलग अलग धर्मों, अलग अलग जो धर्म है और अलग अलग जो संस्कृतियां हैं, ठीक है, और अलग अलग बैकग्राउंड है, सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी के ही कई तत्व हैं, मतलब डाइवर्सिटीज के कई तत्व हैं, कई कंपोनेंट्स हैं, उसमें से जो है वो ये एक। सो इन द एडिशन टू देयर डाइवर्सिटी डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड दे आर अदर वे इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर।
एडिशन टू देयर डाइवर्सिटी, उनकी डाइवर्सिटीज को अगर ऐड किया जाए एंड रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट. समीर एक और समीर दो फिर भी एक दूसरे से अलग थे फ्रॉम ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल वाइल समीर एक गोज टू स्कूल, अगर हम धर्म को और संस्कृति को एक तरफ कर दें, उसके बावजूद भी समीर एक और समीर दो में फर्क था. तो उसके बावजूद क्या फर्क था? उसके बावजूद फर्क ये था कि समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट, दोनों अलग थे फ्रॉम ईच अदर, फिर भी अलग थे. क्यों थे? फॉर एग्जाम्पल वाइल समीर एक गोज टू स्कूल, समीर एक जो है वो स्कूल जाता था, गोज टू स्कूल, समीर एंड समीर दो जो है वो सेल्स न्यूज़पेपर्स, और समीर दो न्यूज़पेपर बेचता था. अब ऐसा कहा जाता है कि समीर दो मुसलमान था, समीर एक हिंदू था, समीर दो जो है उसकी परंपरा संस्कृति अलग थी, समीर एक की परंपरा संस्कृति अलग थी क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम थे. उन चीजों को हमने साइड में कर दिया, फिर भी वो दोनों एक दूसरे से अलग थे क्योंकि समीर एक पढ़ाई करता था, समीर दो ने जो पढ़ाई की नहीं वो तो अखबार बेचता था, वो अभी स्कूल गया ही नहीं. ठीक है, समीर दो did not have the opportunity to attend school. समीर दो को अवसर ही नहीं मिला कि वो स्कूल को अटेंड कर सके, वो स्कूल जा भी सके, उसको अवसर ही नहीं मिला. ठीक है, perhaps you have noticed, आपने ये नोटिस किया होगा, that there are several people in the area where you live. आपने भी नोटिस किया होगा कि जिस एरिया में आप रहते हैं वहां पर भी कई सारे ऐसे लोग हैं या आपके आसपास में, where you live, who are poor, जो कि गरीब है, and who don't have enough to eat, और जिनके पास में खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है, eat or wear, या फिर पहनने के लिए कपड़े नहीं है, sometimes not even at place to live, और कई बार उनके घर बार भी नहीं होते. ठीक है, so this difference is not the same as the one we have seen earlier. तो ये जो difference है is not same, ये बिल्कुल हम अगर खाने पीने कपड़े और रहने की बात करें तो ये वो difference नहीं है जो हमने पहले देखा है समीर एक और समीर दो के अंदर. Here we are talking not of diet differences. अब हम difference विभिन्नता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट ऑफ inequality, हम inequality असमानता की बात कर रहे हैं. एक व्यक्ति बहुत अमीर है, एक व्यक्ति गरीब है, तो ये क्या है? असमानता है. समान मतलब सभी लोग जो है वो आर्थिक रूप से समान नहीं है. Inequality comes about when a person does not have the resources. Inequality तब आती है जब किसी व्यक्ति के पास में संसाधन नहीं होते हैं. ठीक है, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज और अवसर भी नहीं होते हैं दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन, जो कि दूसरे लोगों को मिलते हैं. ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के लिए आपको बुक्स चाहिए, नोटबुक्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, उसको टीचर्स बुक्स हो गई, नोटबुक हो गई, टीचर हो गई, फिर टीचर उसको नरेशन करेगा, तो उसके लिए स्कूल्स चाहिए, तो आपके लोकेशन के पास में स्कूल होना चाहिए, स्कूल जाने के लिए आने जाने के लिए मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, मतलब आने जाने के लिए साइकिल, बस, स्कूल की टैक्सी या जो कुछ भी होता है जिससे आते हैं वो चाहिए. तो ये सब क्या है? ये सब वे चीजें हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है, जो आप पाना चाहते हैं उनके लिए ये चीज एसेंशियल है. जबकि कई लोगों को पढ़ाई करने के लिए ना तो बुक मिलती है, पढ़ाई करने के लिए ना स्कूल होता है, ना टीचर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की तो आप बात ही छोड़िए. तो ये ऐसी चीजें हैं कि आपके पास में, आप पढ़ना तो चाहते हैं पर आपके पास में पढ़ने के अवसर नहीं है और पढ़ने के लिए संसाधन सुविधाएं ही नहीं है, तो आप पढ़ाई करेंगे कैसे? समझ में आई बात? सो एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू अदर पर्सन, जो कि दूसरे और बाकी बच्चों को जो शहर में रहते हैं या फिर जहां पर ये सारी सुविधा है वहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं. ठीक है, सो द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल. जो कास्ट सिस्टम है वो भी एक दूसरा एग्जाम्पल है ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का
According to this, society was divided into different groups. इसीलिए जो हमारी सोसाइटी है वो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बटी हुई है, माली, कुम्हार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई है, ठीक है. So into the different groups depending upon the works, और ये depend करता है उनके works पर कि वो क्या काम करते हैं, that people did and they were supposed to remain in those group, और वे ये चाहते हैं कि वो इसी ग्रुप में, इसी ताले वाले में, इसी ग्रुप में बने रहे, क्योंकि इसी ग्रुप में वो सेफ है, ठीक है, ये उनका समाज है. So if your parents were potters, अब एग्जाम्पल देके आपको समझाया जा रहा है कि अगर आपके पेरेंट्स कुम्हार हैं, ठीक है, जो बर्तन, जो मिट्टी से बनाते हैं घड़े वगैरह, पॉटर्स है, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड irreversible. So and because you are not supposed to change for your professions, it was not the considered necessary for you to know anything more than what you needed in your professions. अब अगर आप कुमार हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि this system was considered, ये system इस चीज से संबंध रखता है, इस चीज को consider करता है, और इस चीज को consider करता है वो irreversible करता है. irreversible का मतलब होता है कि ये इसको निश्चित रूप से स्थापित या प्रस्तावित कर देता है कि कुम्हार का बच्चा कुम्हार ही होगा, वो वही काम करेगा, ठीक है. एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, और आप अपने प्रोफेशन को चेंज करने के बारे में सपोज ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर, और आपको कुम्हारगिरी के अलावा और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप कुमार के घर में पैदा हुए हैं तो आप कुमार ही बनेंगे और आप वो स्किल ही सीखेंगे. सो व्हाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन, आप वही सीखेंगे जो आपको आपके प्रोफेशन में नीड है, आवश्यक है, ठीक है. दिस क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, यही जो स्थिति है वो इनइक्वालिटी की कंडीशन को क्या करती है, पैदा करती है, ठीक है. सो यू विल रीड मोर अबाउट दिस, आप इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे, एंड अदर इनइक्वालिटीज, और भी कई सारी असमानता इनइक्वालिटीज है इन द फॉलोइंग चैप्टर्स, ठीक है. अब आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.